हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. वेलकम टू ए टू जेड बायोलॉजी चैनल. ओके, दिस इज विशाखा. ओके, येस्टरडे वी आर डन विद आर मलेरिया. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद अमीबियोसिस. ओके, और अमीबिक डायसेंट्री. सो लेट अस टॉक अबाउट द पैथोजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. द पैथोजन इज एंटमीबा हिस्टोलिका एंड इंटेस्टाइनल प्रोटोजोन पैरासाइट. इंटेस्टाइनल प्रोटोजोन पैरासाइट क्यों बोला गया है, क्योंकि ये इंटेस्टाइन में ही अपने आप को सर्वाइव कर पाता है. और पैरासाइट है क्यों, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी पे डिपेंडेंट है. ओके, ह्यूमन बॉडी इज अ होस्ट ऑफ दिस. सो ऑर्गन्स इफेक्ट कौन से होंगे, ऑटोमेटिकली इंटेस्टाइनल प्रोटोजोन है तो इंटेस्टाइन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द मैन इज इफेक्टेड बाय दिस. नाउ मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका मेथड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है बच्चे, हाउस फ्लाई. जो हाउस फ्लाइज होती है ना, वो एक्ट करती है इसका मैकेनिकल कैरियर. ओके, तभी तो आपको वैसे पता ही है कि हाउस फ्लाई जो होती है वो मोस्टली कितनी ही बीमारियों को कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि वो कहीं पे भी एक्सट्रीटा बाहर वेस्ट पे बैठती हैं. और सेम फ्लाइज अगर हमारे फूड पे बैठेंगी तो ऑटोमेटिकली मोस्टली फ्लाइज का क्या होता है, वो अपने लेग्स और अपने माउथ पार्ट्स यूज करती हैं. फूड पे बैठेंगी तब भी, वहां पे एक्सट्रीटा पे बैठेंगी तब भी, और साथ में जब भी वो किसी वेस्ट पे बैठेंगे वहां से क्या ले आती हैं, जर्म्स. और दैट विल ट्रांसमिटेड टू आर फूड, दैट विल कंटामिनेटेड. और ऑटोमेटिकली जब अगर हम कंटामिनेटेड फूड खा लेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे, इफेक्टेड बाय सम टाइप ऑफ डिजीजेस. नाउ एज द सिस्ट ऑफ पैथोजन आर फाउंड इन द इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज, द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन टू हेल्दी पर्सन इज थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर और इम्प्रॉपरली वॉश्ड और कुक्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. अब देखिए कहाँ से होती है इसकी कंटेमिनेंट, क्योंकि सिस्ट जो होते हैं वो ह्यूमन डिस्चार्ज में आते हैं इसके. तो ऑटोमेटिकली जैसे आप फ्रूट्स खाओगे रॉ, अनकुक्ड, अनवॉश्ड, ठीक है, तब भी हो सकता है. आप बाहर से आते हो, डर्टी हैंड्स हैं आपके, मिट्टी से लगे हैं, तो मिट्टी में भी इसके प्रोटोजोन्स रहते हैं. सो इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू मस्ट डू व्हाट, यू मस्ट ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंटरिंग योर हाउस और बिफोर ईटिंग. ओके, व्हेन यू एवर यू कम फ्रॉम द आउटसाइड. सो नेक्स्ट, सिम्टम्स क्या होते हैं बच्चे, व्हेन एवर यू आर अफेक्टेड विद दिस पैरासाइट व्हाट सिम्टम्स आते हैं. दिस पैरासाइट्स लिव इन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड डिस्ट्रॉयज द म्यूकस मेम्ब्रेन. अब जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है और जो हमारे इंटेस्टाइन को लाइन करती है म्यूकस मेम्ब्रेन, उसको ये डैमेज करता है, जिससे क्या हो सकता है वहां पे. अब इंटरनल इंटेस्टाइन में अगर कोई लेयर डैमेज हो जाएगी बच्चे, तो दैट विल प्रोड्यूस अल्सर. अल्सर्स क्या होते हैं, पेप्टिक अल्सर्स प्रोड्यूस करता है. अल्सर्स क्या होते हैं, घाव से बन जाते हैं स्टमक की मेम्ब्रेन में, एंड दैट विल बी फिल्ड बाय सम पॉइजनस टॉक्सिन्स आल्सो लेटर ऑन एंड क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम. ओके, तो दिस मे कॉज इन ब्लीडिंग एंड अल्सर दैट प्रोड्यूस डायसेंट्री. तो ब्लीडिंग भी हो सकती है इंसान को, ठीक है, अल्सर और प्रोड्यूस डायसेंट्री, लूज मोशन स्टार्ट हो सकते हैं. हैंस पेशेंट्स पासेस आउट ब्लड एंड म्यूकस विद द स्टूल. तो मोस्टली क्या होता है, फिर पेशेंट को ब्लड भी आता है और म्यूकस भी स्टूल के साथ, ठीक है. तो मोस्टली देयर विल बी अ सीवियर पेन इन द एब्डोमेन, फीवर एंड नोशिया. ओके, सो वी विल स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स. देयर विल बी सीवियर, जो स्टूल्स होंगे बच्चे उसमें क्या रहेगा, म्यूकस रहेगा, ब्लड क्लॉट्स रहेंगे, ठीक है. तो अब मोस्टली क्या रहता है, प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं हम इसकी, प्रिवेंशन यही है इसकी, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फेशियल मैटर ऑफ द पेशेंट. मतलब बाहर वो ना जाए, प्रॉपर डिस्पोजल मतलब ही और शी शुड यूज वॉशरूम्स. यहाँ पे तो सबके होते हैं, लेकिन विलेजेस समटाइम्स उन ऐसी जगहों पे क्या होता है, लोग बाहर जाते हैं तो ऐसी जगहों पे जो खतरा होता है ऐसी चीजों को बढ़ने का बहुत बढ़ जाता है. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स व्हेन यूज्ड रॉ शुड बी थर्ली वॉश. कभी भी उन वेजिटेबल फ्रूट्स को यूज करें तो वॉश होने चाहिए प्रॉपरली, क्यों आते तो ऑटोमेटिकली फील्ड से ही है ना, फील्ड में हम खाद देते हैं, कुछ देते हैं सब चीजों को, वेजिटेबल्स को, तो दैट शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड. और ऐसे लोगों को क्या करो, हमें जो वाटर अगर वो ड्रिंकेबल नहीं है, हमें डाउट लगता है, तो वी शुड बॉइल द वाटर बिफोर ड्रिंकिंग और वी शुड हैव फिल्टर्स दीज डेज. ओके, सो नाउ वी हैव सम टेबल, आई हैव टेबल लिस्टेड हियर वेयर कॉजल ऑर्गेनिजम्स आर देयर सिम्टम्स एंड इफेक्ट्स ऑफ दैट डिजीज, ठीक है. तो सबसे पहले हम करेंगे टाइफाइड. तो टाइफाइड में बच्चे कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमने पढ़ा भी था पहले, साल्मिना टाइफी. इसमें क्या रहता है, सिम्टम्स क्या रहेंगे इसके, सस्टेन्ड हाई फीवर रहता है, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन. इफेक्ट्स क्या रहते हैं इसके, इंस्टाइटल परफ्यूशन,
डेथ में अगर इन सीवियर केसेस ज़्यादा ही हो जाए, अगर ना ट्रीट करवाया जाए तो डेथ भी हो सकती है। निमोनिया में आपको पता ही है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा रहते हैं सिकोलिकल ऑर्गेनिज्म, और सिम्टम्स क्या रहते हैं, सेम फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक, और एल्विओली गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन एज वी हैव ऑलरेडी नो। कॉमन कोल्ड में कौन है रिस्पॉन्सिबल, राइनो वायरसेस, नेजल कंजेशन इज देयर, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, कफ एंड हेडेक रहेगा। इफेक्ट्स क्या रहेंगे, इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, जो भी हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है वो सारा इफेक्टेड रहता है किसमें, कॉमन कोल्ड के केस में। नाउ मलेरिया, मलेरिया में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, मलेरिया फैल्सीपेरम, ये सारे जो स्पेशीज हैं इसमें मोस्टली चिल्स रहते हैं, हाई फीवर रहता है, ठीक है, जो हर तीसरे चौथे दिन आता है। पैरासाइट जैसे मल्टीप्लाई करेंगे लीवर सेल्स में और अटैक करेंगे आरबीसीज में, तो वैसे वैसे क्या होता जाएगा, मोस्टली दे विल बी सफरिंग फ्रॉम द फीवर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अमीबक डायसेंट्री और एमीबोसिस बोल सकते हैं हम इसको। तो कॉजल ऑर्गेनिजम्स का क्या है, एंटमीबा हिस्टोलिका। सिम्टम्स क्या रहेंगे, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल्स विद म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। इफेक्ट्स क्या रहते हैं इसके, इन्फेक्ट द लार्ज इंटेस्टाइन, स्कैरिस हो गया, हेलीमेंथिस में आता है ये, तो इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया हो जाता है इसमें, ठीक है। सो दिस इज सिम्टम ऑफ स्कैरिस। हेल्दी पर्सन गेट इन्फेक्टेड थ्रू वाटर, वेजिटेबल, एल्फेंटेंसिस, वाउचीरिया बेनक्राफ्टी के बारे में बात करें तो इसमें भी क्या होता है, इन्फ्लेमेशन कहाँ पे होते हैं, इन्फ्लेमेशन लोअर लेग्स में या फिर जेनिटल ऑर्गन्स में। लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब गेट ब्लॉक्ड, लिम्फेटिक वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगे तो ओडेमा टाइप कंडीशन हो जाती है, ठीक है। नाउ रिंग वॉर्म्स, माइक्रोस्पोरम कॉज करता है इसको, कॉजल ऑर्गेनिज्म, या इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है आपका ट्राइकोफाइटोन एंड एपीडर्मोफेटोन। ओके, अपियरेंस क्या रहती है इसमें, ड्राई स्केली लेजन ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी बॉडी पे इसका इफेक्ट दिखता है, और हमारे से मोस्टली स्किन, नेल और स्कैल्प को ये इन्फेक्ट करता है, जैसे रिंग कटर से मेडिसिन आती है आपको, उस सर पे भी कभी हो जाते हैं पैचेस से, या किसी आपके नेक या बॉडी पार्ट पे स्मॉल पैचेस हो जाते हैं और ठीक होने में नहीं आते, मोस्टली बरसात के दिनों में ऐसी चीजें आती हैं, तो डेट इज ड्यू टू रिंग वॉर्म्स। और ये तीन टाइप के हैं जिसके पास कॉजल ऑर्गेनिज्म, एनी वन ऑफ कैन इन्फेक्ट यू एनी टाइम। सो स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू लर्न दिस टेबल सो दैट यू कैन कुड बी क्लियर अबाउट द सिम्टम्स, कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड इफेक्ट्स, बिकॉज पेपर में मोस्टली बच्चे ऐसे ही आता है कि आपको किसी को कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछ लेंगे, या किसी के सिम्टम्स पूछ लेंगे, या किसी का इफेक्ट पूछ लेंगे कि कौन से हमारे बॉडी पार्ट पे इफेक्ट होता है। तो इन दिस टेबलेटेड फॉर्म इफ यू हैव लर्न इट वुड बी बेटर फॉर यू। ओके, बाय टुमारो वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ दिस ओनली, हैव ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, दैट इज इम्यूनाइजेशन। ओके, सो हैव अ नाइस डे।